हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन एकेडमी। मु दीपक राउत आपण मानक स्वागत करुच्ची। तो आम आज डिस्कशन करवा जो आम प्रतिदिन मोर 9टा बेले जो यूट्यूब फ्री क्लास रोचे ऑन एकेडमी प्लस कोर्स रे, तो तुम्हें मैंने से जॉइन करी फ्री क्लास रे अल्टरनेटिव डे रे रोचे। तो आमे जो भी कौन करीबा ना ओपीएससी पे स्पेशियली ओपीएससी हो ओपी ओडिशा रिलेटेड जेकोनोसी गवर्नमेंट एग्जाम पे आमे डिस्कशन करूचे। तमे इथरे आमे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करूचे, कॉन्सेप्ट डिस्कशन करूचे। तो सबुति पई तमे एही प्लेटफॉर्म रे पाई परबा। ओके, तो अन एकेडमी ओपीएससी रे तमरा लाइव क्लास सहित हमरा जतक हमरा गवर्नमेंट एग्जाम हला सब हमरा कंडक्ट करा जाउची। ओके, तो एथिरे हमरा 16 जण हमरा एजुकेटर अच्छा। तो डिफरेंट से मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट रे पढ़ाऊँ। तुम्हें जमी कह जे आमर ओपीएससी मेन रो सब्जेक्ट गुड़ाक ओडिशा सिविल सर्विस रपर एएस एग्जाम ओडिशा माइनिंग सर्विस सीटी बीडी तो सबुथिपाई आमर एस एस सी तापर रेलवे तो सबुथिपाई आमर पुलिस एस आई सबुथिपाई आमर कोर्स लॉन्च कराई। यही आम 16 जन टीचर अच्छा जो मैंने कि डिफरेंट कोर्स आमर कौन करना से मैंने पाने को पढ़ाऊँ। ओके, तो यही आम डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ा जामती कि तुम्हें कह हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स लैंग्वेज एप्टीट्यूड सब सब्जेक्ट आपरे पढ़ा जा। ओके, तो आमर जो डिफरेंट कोर्स आमर अपकमिंग कोर्स जोड़ा कि ओपीएससी आसूँ जमी कह ओएस मेन कंपलसरी पेपर है ओएस मेन ऑप्शनल पेपर है तापर आमर एएसओ एग्जाम कोर्स है ओडिशा आमर हाईकोर्ट माइनिंग कॉर्पोरेशन है सीटी बीईडी ओटीईटी ओ डबल एस टीईटी ओएभीएस तो सबुथिपाई आमर कौन हो कोर्स आरी भितर आमर तुम्हें गोटे प्लाटफर्म पाइपर। ओके, ता संग को आमर लाइव टेस्ट रोचे टेस्ट सीरीज रोचे डाउट क्लीयरिंग क्लास प्रति तीन टा क्लास पर तुम डाउट क्लीयरिंग क्लास रही आम टॉप एजुकेटर मैंने क्लास नौ। ओके, तापर तुम देख ये आम कौन हो सब्सक्रिप्शन तुम जो डिफरेंट सब्सक्रिप्शन अच्छी जो तुम सब्सक्रिप्शन है वन मंथ पर 1400 थ्री मंथ पे ना 3500 सिक्स मंथ पे ना 5600 जदि तुम 12 मंथ पे नब 7000 24 मंथ पे ना 8400 आउ ए 8400 मु तुमको रेकमेंड करी जे डेफिनेटली तुम 12 मंथ कि जो 24 मंथ रियो कहीं तुम वन मंथ रे 1400 पड़ू तुम जदि 5 मंथ्स 7000 हो जाए तुमको जदि से जो 5 मंथ्स नब जो 7000 जो वन मंथ लगे नब 7000 जोटा कि तुम 7000 तुम वर्षाक पाइपर। तो वर्षाक जिते एग्जाम है ओएस एग्जाम हो एएस एग्जाम हो डबल एस सी है सबुथिपाई तुम गोटे प्लाटफर्म पाइपर। ओके, तुम मो कोड यूज कर मो कोड है डीकेएल। ओके, तो यहाँ आमर ये कोड नुहे तो कोडटा मुझे तुमको ये लिखिदे करेक्ट कोड जोटा तो करेक्ट कोड हूँ आमर कौन ना यहाँ आम रंग अच्छी। ओके, तो डी के आर दीपक कुमार राउत रू डी के आर। ओके, तापरे लाइव तो डी के आर लाइव तुम यूज कले इमीडिएटली तुमको कौन कर ना 10% डिस्काउंट तुमको इमीडिएटली मिल। ओके, सो डी के आर लाइव तुम जब यूज कर 10% डिस्काउंट तुमको इमीडिएटली मिल जाए। ओके, तापरे तुम ना ये तुम एजुकेटर मानक जो मैंने तुम मैंने लाइव क्लास सपोज मिस करदेल तो किसी व्यस्त हवा दरकार नहीं तुम रेकर्डेड भिड देखिपर जो क्विज दे पार सबकि गोटे प्लाटफर्म पाइपर आती जदि कम पैसा तुम भुवनेश्वर में कोई भी अफलाइन इनट्यूट जाओ हरी बर्तमान तो एनिवे करोना जो सब आम बंद कौन सी इनट्यूट जाओ एति फैसिलिटीज तुमको कहीं कम पैसा देवे। ओके, तो जो यहाँ हूँ आमर जो तुम डेफिनेटली मन रख तो आज आम डिस्कसन करवा जे कौन डिस्कसन करवापर आम मुझको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऊपर डिस्कशन करवा तो जस्ट ए मिनिट।
ओके तो आमर जस्ट ए मिनिट आम चेक करदे को मैंने तुम यूट्यूब जॉइन कर गोटे थर तुम हाय आशुतोष तो जो मैंने यूट्यूब जॉइन कर मो तरफ हाय ओके तो आज आम डिस्कशन करवा जे आमर गोटे क्वेश्चन सब पड़ुचे हु आर द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्यूरिटी काउंसिल जस्टिफाई इंडियाज एफर्ट फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूएन सिक्यूरिटी काउंसिल जोटा कि ओएस 2017 टेन मार्क्स पड़ा ओके तो सिमिलरली आम पड़ा 2011 गोटे क्वेश्चन क्लेम ऑफ इंडिया टू बी ए परमानेंट मेंबर इन यूएन सिक्यूरिटी काउंसिल तापर आमर आउ गोटे क्वेश्चन पड़ा ओएस 2015 आमर एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ यूएन सिक्यूरिटी काउंसिल ओके तापर आमर प्रति वर्ष आमर गोटे ना गोटे क्वेश्चन यूएन जो रिफॉर्म पड़ी थी 2016 टेन मार्क तो यूएन गोटे क्वेश्चन जोटा कि प्रति वर्ष पड़ुछि आउ डेफिनेटली आमर ए वर्ष भी पड़ो ओके यहाँ गोटे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2019 ओपीएससी मेन पाई यहाँ गोटे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप पड़ो आम डिस्कसन करवा ओके तो फास्ट तुम कह यूएन सिक्यूरिटी काउनसिल तुम कौन कौन पॉइंट जाच कमेंट सेक्शन में तुम कह तापर आम डिस्कसन करवा फटाफट जे कौन आमर हो पार हाय दीपांजलि हाय स्मृतिमय तो कौन कौन आमर जाच तुम यूएन सिक्यूरिटी काउंसिल किसी पॉइंट कह तापर आम कौन करवा ना ताकू डिस्कशन करवा तो कारण ये आम प्राय परीक्षा सब पढ़ुची तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर माने यूपीएससी प्रीलिम है ओपीएससी प्रीलिम है मेन डिफरेंट एग्जाम ये आम पढ़ुची ना कौन ये तुम लिख ना प्रथम लिख आमर यूएन सिक्यूरिटी काउनसिलटा आग कौन तुम जाना पड़ो तापर आम तार रिफर्म कहीं दरकार कहवा ओके तो आम यूएन जो यूनाइटेड नेशन तुम फर्मेसन है के 24th ओके अक्टोबर आमर 1945 जो वर्ल्ड वार सरीगला तो फ्यूचर गोटे वार न हो से आमर कौन है ना जमी डिफरेन्ट कंट्री भितर पीस पीस आमर पीस आम स्टेबिलिटी रो डिफरेन्ट कंट्री भितर आम फ्यूचर वार न होगापी आमर यूनाइटेड नेशन फॉर्मेशन है तो यूनाइटेड नेशन अंडर आम छा प्रिंसिपल ऑर्गन अच्छा से छा प्रिंसिपल ऑर्गन आम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हूँ गोटे जमीक तुम अन्य गुड़ाक जानी थोड़े आम आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हूँ गोटे तार प्रिंसिपल ऑर्गन तो आम यूएन जनरल असेंबली है ओके आम यूनाइटेड नेशन जो इकोनॉमिक आ सोशल जो काउंसिल जो है इको सक जोटा को आम कहे तार ट्रस्टी काउंसिल सेक्रेटरी तेमी छा तार प्रिंसिपल ऑर्गन अच्छी ता भितर गोटे हूँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तो ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कौन हो तार मेन काम हूँ कौन ओके तो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस आउ सिक्योरिटी तो इंटरनेशनल लेवल ले पीस आउ सिक्योरिटी मेंटेन करबा होची यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेन काम तो ये आम 15 जन मेंबर टोटल अच्छा 5 जन परमानेंट मेंबर 5 परमानेंट मेंबर आउ 10 जन आम नॉन परमानेंट मेंबर 5 परमानेंट मेंबर को माने हे गले ना यूएस यूके रशिया फ्रांस आउ चाइना आउ 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो माने जो आम तुम मन न रखिले भी चलो बट दे आर एक्चुअली इलेक्टेड
बाय द जनरल असेंबली फॉर टू ईयर टर्म। ओके तो दि वर्ष पर जनरली मैंने ओके तो सेटा ही आम डिस्कसन करे तुम्हें केमी लिख इंट्रोडक्शन लिख यह इंडिया हाज आमर डिमांडेड कर यूएन सिक्यूरीटी काउनसिल रिफर्म करने तापर तुम यूएन यूएन सिक्यूरीटी काउनसिल रिफर्म उपरे तुम लिख प्रथम जो इंट्रोडक्शन लिख सिक्यूरीटी काउनसिल हाज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी 15 मेंबर अच्छा 5 जन परमानेंट 10 जन नॉन परमानेंट मेंबर अच्छा ओके तो ऑल मेंबर हैव वन वोट किंतु आमर जो सिक्यूरीटी काउनसिल शुभुनि ठीक रे तो आउ का समस्त शुभुनि ना वॉइस आसुची ठीक रे हमारा वॉइस ठीक रे आसुची कि कमेंट सेक्शन में कह इज माय वॉइस इज क्लियर आम ऑडिबल ओके तो एनीवे तुम्हें जदि शुभुनि मत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कह जे शुभुच कि नहीं ठीक रे ओके आम आगे जावा ओके तो आमर ये कौन हो तुम जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आम कथा कहते कहीं यार रिफर्म हवा दरकार ओके तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आम कहले जो पांच जन मेंबर अच्छा जो परमानेंट मेंबर तो से पाखे भिटो पावर अच्छी तो ठीक अच्छे एवं मुझे डायरेक्टली आमको ए कहूनी ओके मे भी सब प्रॉब्लम थे ओके तो एवं मुझे विदाउट मानने माइक्रोफोन छड़ा में डायरेक्टली मुझे कहूँ ओके तो यही आम कौन होके तो यही आम कौन हो ये जो परमानेंट मेंबर अच्छा जो पांच जन तर भिटो पावर अच्छे ओके तो भिटो पावर में कौन हम ना से माने कौन करछन ना कौन सी डिसीजन को ब्लॉक करि परिबे जोटा तांको हमर ठीक लागिवनी ब्लॉक करि परिबे जेमेदि कि हमें कहबा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ले जदी हमर गोटे डिसीजन निहला जे सीरिया को हमर जो आईएसआईएस वाला अछन से माने को एगेंस्ट अटैक करिया पे हमें फोर्स पठेबा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फोर्स पठेबा ओके तो एथिरे अमेरिका जदी कहूची हमें फोर्स पठेबा ताको ब्लॉक करूची किए ना रशिया आ चाइना ब्लॉक करछन ताको वीटो पावर यूज करिकि ओके सिमिलरली तुम्हें कह इंडिया आम कौन जे मसूद आधार को ग्लोबल टेररिस्ट हिसाब से जो डेजिनेशन करा जाओ डिक्लेयर करा जाओ तेणु आम भिटो पावर यूज करके किए ब्लॉक कर चाइना 14 जन लोक आम राजी हेले ग्लोबल टेररिस्ट हिसाब से मसूद आधार को डिक्लेयर करा जाए कि जड़े आम राजी हलानी किए ना चाइना जहाँफल से डिसीजन टा एक्सटेंड हो पारा कि बहुत थर सी मना कला तो सी भी निजे एक्सपोज होना तो बाध्य हो कि फाइनाली से राजी है बर्तमान आम मसूद आधार हूँ ग्लोबल टेररिस्ट ओके तो कहीं यूएन सिक्योरिटी काउनसिल रिफर्म हवा दरकार फास्ट कथा जे कैटेगरी ऑफ द मेंबरशिप जे परमानेंट मेंबर नॉन परमानेंट मेंबर तो जो मैंने परमानेंट मेंबर रही से पाखे भिटो पावर अच्छे भिटो पावर टाइम कौन करना मिसयूटिलाइज करके सो द क्वेश्चन ऑफ द भिटो हेल्ड बाय फाइव परमानेंट मेंबर ओके तो जो पांच जन परमानेंट मेंबर पाखे भिटो पावर अच्छी तो तापरे भी क्वेश्चन उठा हो कहीं से ठीक रे यूज करना देन है रीजनल रिप्रेजेंटेशन ओके तो रीजनल रिप्रेजेंटेशन आम देखा जो पॉइंट जे प्रति एटा इक्विटेबल थ्रो आउट कंट्री जो कंट्री को रिप्रेजेंट कर तुम देख आफ्रिका कौन सी कंट्री तुम पांच जन परमानेंट आम मेंबर देखिले तुम ये पांच जन परमानेंट मेंबर भितर आफ्रिकार कहीं ना साउथ अमेरिकार कहीं ना जो थी कि इंपोर्टेंट आम कंट्री रहा है अर्जेंटीना ब्राजिल जो मैंने साउथ अमेरिकार रे से भितर कहीं ना आफ्रिकार कहीं ना ऑस्ट्रेलिया गोटे कंटिनेंट तीन टा कंटिनेंट रू कहीं मेंबर ना तेणु तुम कह ये आम रीजनल रिप्रेजेंटेशन आम ठीक रे हो पारिनी ओके रीजनल रिप्रेजेंटेशन ठीक रे हो पारिनी अपर साइज ऑफ द एनलार्ज काउंसिल आउ इट्स वर्किंग मेथड तो एडाक भी आम माने ऊपर क्वेश्चन उठाऊ सिक्योरिटी काउंसिल आउ जनरल असेंबली रिलेशन ऊपर भी आम
क्वेश्चन उठा जाउछि ओके तो काहे के हमर रिफॉर्म जो रिक्वायर्ड तमिल काहे कोन कोन लिखिबा ना चेंजिंग इन जियोपॉलिटिक्स तो वर्ल्ड वॉर 2 परे हमर कोन होतला ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्टिल रिफ्लेक्ट द जियोपॉलिटिकल आर्किटेक्चर ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 डिस्पाइट द चेंज इन पावर रिलेशन इन द वर्ल्ड तो अगुरु हमर वर्ल्ड वॉर 2 परे जो भले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल थिला सेही भले आछि तो हमर जेमिति कि किंतु एथिरे कोनोसी चेंज हे ओके तो डेवलपिंग नेशन इंक्लूडिंग इंडिया नाउ प्ले लार्जर रोल इन बोथ इन इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स येट आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फोरम ओके तो हमर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रे हम जो इंडिया रहिला तो सेइटा कोन होची ना तमे देखिबो जदि इंडिया होची बर्तमान फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ओके तापर हमर तमे कहिबो जे जो इंडिया हमर इंटरनेशनल प्लेटफार्म रे गोटे इंपोर्टेंट लीडर हिसाब रे हमर इंटरनेशनल प्लेटफार्म रे ताकू काउंट को निया जाउची जेमिति कि हमें कहिबा इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया फॉर्मेशन करिची इंडिया हमरा कोन करिची ना टेररिज्म पई हमरा स्ट्रांग एक्शन होउची तार इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हमरा लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी अछि इवन पीस कीपिंग फोर्स का में जो सबठो सेकंड लार्जेस्ट हमें फोर्स कंट्रीब्यूटर करूचे तो ए सत्वे हमर कोन इंडिया को मिले ओके तो चेंजिंग इन जियोपॉलिटिक्स तापर रिफॉर्म होउची लॉन्ग ओवरड्यू तो हमर गोटिए थरो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म हेतला केबे ना 1963 रे तो सेते बेले हमर 6 जन परमानेंट मेंबर थिले आ 5 जन नॉन परमानेंट मेंबर थिले टोटल 11 जन थिले तो जो 6 जन नॉन परमानेंट को चाहे सेई थिर हमर 4 जन बढ़े कि हमें कोन कले ना 10 जन वर्तमान नॉन परमानेंट मेंबर अछि माने माने जेबे टू हमर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर्म है छि जमा गोटिए थरा रिफॉर्म है छि 1963 रे आ सेही थिर हमर 4 जन नॉन परमानेंट मेंबर को हमरा ऐड करा दे छि ओके किंतु हमें देखिबा 1963 बेर हमर केते यूएन जनरल असेंबली मेंबर थिले 113 जन वर्तमान केते जन अछन 193 जन तो हमर ओवरऑलली हमर मेंबर संख्या बढ़ी जे प्रति वर्ष हमें कहिया करे प्रति 10 वर्ष रे हमर बहुत नुवा मेंबर ऐड होछन किंतु जे हमर जो सिक्योरिटी काउंसिल किछि चेंज हो ओके तो जो 10 जन परमानेंट जो नॉन परमानेंट मेंबर 5 जन परमानेंट मेंबर रहिले सेती की अच्छी जेते किछि चेंज हो ओके नेक्स्ट हो छि जे इनइक्विटेबल इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओके तो मेजर इकोनॉमिक और रीजनल पावर लाइक हमरा जर्मनी गोटे यूरोप रो मेजर हमरा इकोनॉमिक और रीजनल पावर हला जापान इंडिया एशिया रे गोटे एति जन जक रीजनल पावर ओके आ ब्राजील हला हमरा लैटिन अमेरिका जोटा की साउथ अमेरिका रोटे इंपोर्टेंट कंट्री आ मेन कंट्री कहवा कहले तो दे आर नॉट येट पार्ट ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एमाने को कौन होची ना सिक्योरिटी काउंसिल रे जगह दिया जाए ओके सिमिलरली नो परमानेंट मेंबर फ्रॉम अफ्रीका ओके अफ्रीका रु तमे देखिबो कोनोसी जण हेले परमानेंट मेंबर नहंती ओके तेनु आमे कहिबा जे तमे एई जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रे हमरो दे आर एक्चुअली नॉट इक्विटेबल हमरो रिप्रेजेंटेशन समस्त को मिलेनी ओके तो माने बाछी बाछी का केतडा कंट्री को नै जाइछेंती नॉर्थ अमेरिका उ यूरोप रु आ अन्य मन को हमरो चांस ही मिलेनी ओके सो देयर इज नो परमानेंट मेंबर फ्रॉम अफ्रीका डिस्पाइट द फैक्ट दैट 75% ऑफ इट्स वर्क फोकस्ड ऑन अफ्रीका एंड इट हैज नो परमानेंट मेंबर फ्रॉम दिस रीजन ओके नेक्स्ट हाउस इज क्रिटिसाइज ऑफ लेजिटिमेसी एंड क्रेडिबिलिटी ओके तो हम जो तुमको कहली सीरिया और लिबिया रे जतेले हमरो इंटरवेंशन करिया पे कोहा होला जे हमें फोर्स पठेबा सीरिया और लिबिया को तो सेतेले अमेरिका राजी हला बंडे रशिया और चाइना ता वीटो पावर यूज करके हमरा कोन करछंदी ना ताको ब्लॉक करछंदी कहले नाही हमें एडा फोर्स पठेबानी तेनो हम वीटो पावर को नहीं कि भी से माने को भितरे डिस्प्यूट सबले होछ ओके तो तेनो मने रखिबो जेमिति कि हमरा तमे कहि परिबो जे ए जो वीटो पावर रे माने कोन ना जदी हमरा 5 जन को भितर कौनसी गोटे कंट्री यदि हमर तार वीटो पावर यूज करके मना कर देला माने से डिसीजन को ड्रॉप कर दिया जब आगु कहू से डिसीजन डा आगु को जीवो ओके सेटी सेटा हमर बंद है जीवो ओके तो हमर क्राइसिस ऑफ द लेजिटिमेसी एंड क्रेडिबिलिटी ओके सो वेरियस हमर जो इशू अछि इंटरनेशनल इशू जेने कि हमर लिबिया और सीरिया रेला इन द डिसगाइज ऑफ रिस्पांसिबिलिटी हैव पुट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन जियोपॉलिटिक्स तो से जो वीटो पावर को लेके क्वेश्चन नॉर्थ साउथ डिवाइड तो हमर नॉर्थ साउथ डिवाइड इज द परमानेंट मेंबर जो माने रहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ पीएफ पी5 टुडे तो दे आर ओनली पोर्ट्रेट द बिग नॉर्थ साउथ डिवाइड इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द सिक्योरिटी मेजर तापर इमर्जिंग इश्यू तमे जेमिति कि कहिबो ओके जेमिति कि हमर
रिलेटेड टू एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हमरा जेमती क्लाइमेट चेंज आ एनवायरमेंट मेंटल डिग्रेडेशन पई जेतो हमरा कथा उठि सेतो तमे जानि छ यूएस पछगुंचा दउची ओके पेरिस एग्रीमेंट रु यूएस कोन करिछि ना निजरा से कहू छी जे मु विथड्रॉ करने भी ओके तो मु पेरिस एग्रीमेंट साइन करबिनी सिमिलरली तमे देखि छ जे हमरा वर्तमान डब्ल्यूएचओ रु भी हमरा कोन होछि ना जो डब्ल्यूएचओ को फंडिंग न दबा पई हमरा यूएस थ्रेट करिछि सिमिलरली हमरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रु सीए जो ब्लॉक करूची हमरा जो कांकर जजमेंट जो कोन होची ना जज मानकर अपॉइंटमेंट पई आ कहूची जे हमरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लो बंद हिजबो बोली से भला थ्रेट मिलूची तंकु त हमरा कहबा जे ना डिफरेंट हमरा जो प्रॉब्लम होची जो इमर्जिंग इशू पर हमरा ट्रेड को नै कि हो के एनवायरमेंट को नै कि हो इकोनॉमी को नै कि हो त एई सब जिनिस उडा को पर हमरा ओडे कोन होनी ना ओडे मिसी के हमरा कुछ गोटे डिसीजन हमरा निया जाऊ कलेक्टिवली गोटे हमरा डिसीजन निया जाऊ ओके तो से उडा इमर्जिंग इशू पर भी हमरा प्रॉब्लम हो छ ओके ता पर हमें कहिबा जे इंडिया जो हमरा कहू छी जे इंडिया कोन पे हमरा कहू छी जे जे व्हाट आर द इंडियाज डिमांड जो इंडिया कहू छी जे आई एम ए फिट कैंडिडेट फॉर द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो माने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर पई इंडिया कहू छी जे आई एम ए फिट कैंडिडेट तो इंडिया कोन कोन हमरा पॉइंट रखू छी जे एई पॉइंट जो को मु होउ छी गोटे परफेक्ट कैंडिडेट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म पई तो इंडिया कोन कोन पॉइंट रखू छी ना फर्स्ट कहू छी जे मु गोटे फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएन यूनाइटेड नेशन गोटे फाउंडिंग मेंबर जदि देखिबो इंडिया होउ छी द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ओके इन द वर्ल्ड बोथ डेमोग्राफिकली एंड ज्योग्राफिकली होल्ड ए सिग्निफिकेंट पोजीशन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड मेकिंग इट द आइडियल डेस्टिनेशन फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फ्यूचर ग्रोथ हमर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रे इंडिया रो ग्रोथ होउची तो लास्ट हमर एई वर्ष हमर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट अनुसार हमर वर्ल्ड बैंक रो इंडिया रो रैंक होउची 63 77 हमर 63 होउची लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूएन पीस कीपिंग फोर्स हमर जो पीस कीपिंग ऑपरेशन जाउची तो हमर जोटा को कहू छै ब्लू हेलमेट बोली ओके तो से मान यदि हमें डिफरेंट कंट्री माने जो माने सोल्जर को जो ए पीस कीपिंग फोर्स से काम करछ त इंडिया होची सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूएस पीस कीपिंग फोर्स जो ऑपरेशन और इंडिया रे बहुत सोल्जर जाई कि सेतरे काम करछ सेकंड लास्ट होची कोन ना एक्नॉलेज वर्ल्ड एक्नॉलेज ऑफ इट्स राइज एज ए ग्लोबल पावर तो इंडिया रो इंटरनेशनल प्लेटफार्म रे हमरा ओटे ग्लोबल पावर हिसाब रे से बाहर के आसुचे तमे एनीवे तमे जदि फॉर एग्जांपल तमे कहबो जे हमरा इंटरनेशनल सोलर एलियंस इंडिया करिछि जोटा कि हमरा हेड क्वार्टर होछि हमरा गुड़गांव हरियाणा रे सिमिलरली तमे कहबो आई डू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रे हमें गोटे परमानेंट मेंबर को हरै कि हमरा इंडिया रो जने जज हेले दलबीर भंडारी तनु तमे आउ जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हमरा डेजिनेशन जो करा हला हमरा बसु जादर को ग्लोबल टेररिस्ट हिसाब इंडिया रो हमरा प्रयास जो तो यही सब माने एक्टिविटीज रे इंडिया नाउ सीन एज ए ग्लोबल पावर तमे वर्तमान एग्जांपल दे परबे जे इवन इफ ड्यूरिंग द कोरोना सिचुएशन इंडिया इज सप्लाइंग द जो हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन टू ऑल द डिफरेंट हमर कंट्री को हमर पठोछि तो इंडिया रो माने देखिबो जे एंड आल्सो इंडिया जे न्यूक्लियर पावर जे 8टा कंट्री टोटल हमर वर्ल्ड रे जो न्यूक्लियर पावर कंट्री जा पाखरे न्यूक्लियर पावर अछि तो इंडिया पाखरे भी न्यूक्लियर पावर अछि यदि P5 मेंबर देखिबो इंडिया पाखरे भी P5 मेंबर भले हमर न्यूक्लियर पावर अछि ओके तो एही सब जो काम जो हमर जो कहा जाउ छै जे इंडिया इज ए परफेक्ट कैंडिडेट फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ओके तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ला इंडिया हो जोटे परमानेंट मेंबर हवा पे फिट ओके तो सेति पे इंडिया कोन करूची ना इंडिया मैक्सिमाइजिंग इट सपोर्ट्स इन यूएन जनरल असेंबली और मिनिमाइजिंग द रेजिस्टेंस इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएन जनरल असेंबली 193 टा कंट्री अछि इंडिया चाहू छै जेते मैक्सिमम हे परि बा में एटू सपोर्ट मत करब माने हमको मिले तो हमर जते दलबीर भंडारी को आईसीजे को हमरा जज हिसाब रे जो इलेक्ट करा गला तमे जानि छ हमर यूएन जनरल असेंबली रे मोर देन 180 कंट्री हमको सपोर्ट करथले 193 टा ओके तो सिमिलरली आउ जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रे 15 जन अछन्ति तो हमें देखबे जेतिर जेते चाहिबा जे जेते मिनिमम लोक हमको रेजिस्टेंस करबे मे पर्टिकुलरली हमको किए रेजिस्टेंस करन्ति
ना आमको डेफिनेटली चाइना सब रेजिस्टेंस कर अपोज कर ओके ताकु छाड़ी देले आम देखा जाए मिनिमम रेजिस्टेंस मिलू आम यूएन सिक्यूरिटी काउंसिल और मैक्सिमम सपोर्ट मिलू आम यूएन जनरल आसे तो यहाँ हूँ इंडिया निहाती रही गोटे कौन ना स्ट्राटेजी टू गेट द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ओके तो ताकि इंडिया कौन कौन करुच्ची ना इंडिया गोटे जी फोर नेशन करुच्चर ओपीएससी प्रिलिम पड़ी एएसओ एग्जाम पड़ी था मन रख तो जी फोर नेशन मान कौन ना यहाँ ग्रुप ऑफ फोर नेशन ये चारिटा कंट्री अच्छा किए ना ब्राजिल जर्मनी इंडिया जापान आने चारज चाहते आम यूएन सिक्यूरिटी काउनसिल परमानेंट मेम्बरशिप होगा ओके तो सेमर तेणु समस्ते चारज चार सपोर्ट करूँ जहाँ भी आम यूएन सिक्यूरीटी काउनसिल परमानेंट मेंबरशिप मिली वो तो सेमाने खुशी तो अन्य माने ताकु सपोर्ट करिवे ओके तो ए जी फोर नेशन माने होची हमरा एया जे जो चार जना का मेंबर रहिले समस्त समस्त को हेल्प करिवे टू गेट द परमानेंट मेंबरशिप इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ओके तो सिमिलरली अमर जो जी फोर नेशन को अपोज करिया पे आउ गोटे ग्रुप अच्छा जे जार ना होची कॉफी क्लब और यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस तो यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस रे ग्रुप रे की अच्छा तुम्हें देख इंडिया अच्छे मैंने आमको अपोज कर किए ना आमको डेफिनेटली अपोज कर पाकिस्तान तो पाकिस्तान ये ग्रुप अच्छे ओके तो आम ब्राजिल अच्छे मैंने तार अपोजिशन किए ना आर्जेंटीना ओके जर्मनी अच्छे मैंने कानाडा इटाली जापान अच्छे मैंने साउथ कोरिया एमती नौटा कंट्री आम ये यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस और कॉफी क्लब अच्छा सो दीज आर द ग्रुप ऑफ कंट्री हु आर अपोजिंग द एक्सपेंशन ऑफ परमानेंट मेंबर सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अंडर द लीडरशिप ऑफ इटाली तो इंडिया पुणी आम इंडिया आउ डिफरेंट सब ग्रुप रे जॉइन कर एल 16 गोटे जो थे कि 42 जन मेंबर अच्छा ओके फ्रॉम एशिया आफ्रिका और लैटिन अमेरिका सिमिलरली इंडिया आम नाम भी गोटे आम मेंबर G77 तो यही थे जो मैक्सिमम मेंबर अच्छा गोटे ग्रुप रे तो इंडिया को सपोर्ट करेंगे जो इंडिया परमानेंट सिक्योरिटी जो जितने परमानेंट सीट इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डिमांड कर ये ग्रुप रुमको समस्त हेल्प करेंगे इवन इफ तुम जानूब जो प्राइम मिनिस्टर जुआटे जाऊँच कि आम हाई डिग्निटरीज लाइक आम प्रेसिडेंट कि वाइस प्रेसिडेंट जुआटे जाऊँच तो वन अफ द एजेंडा हूँ से कंट्री को आम रिक्वेस्ट करवा कि तुम आमको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हेल्प कर टू गेट द परमानेंट मेंबरशिप ओके तो यही इंडिया होप्स दैट इट इट्स कंटिन्यू लीडरशिप ऑन वेरियस ग्लोबल साउथ फोरम सच एज G77 नाम वुड गार्नर मोस्ट नीडेड मेंबर इन द यूएन जनरल असेंबली दिस रिफ्लेक्ट इंडिया स्ट्रांग डिफेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी एंड कॉन्स्टेंट वैल्युएबल क्रिटिसिज्म ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ओके तो यही सब यूएस सफेद पाकिस्तान टर्की तो ये समस्त कौन कर ट्राए कर इंडिया को ब्लॉक करने नॉट चारिटा कंट्री को ब्लॉक करने टू नॉट गेटिंग द परमानेंट मेंबर इन द सिक्योरिटी काउंसिल ओके तो यहाँ ये वर्ष गोटे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ओके तो कंक्लूजन आम कौन लिख फाइनाली ओके जे आमर इट इज वेरी इट हाज बिकम क्रुशियल फॉर द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टू अडॉप्ट वेरियस सजेस्टेड रिफॉर्म टू अपहेल्ड इट्स लेजिटिमेसी एंड रिप्रेजेंटेटिवनेस इन द वर्ल्ड so thus for any change in the structure and the organization would require further extensive discussion and deliberation among the stakeholder and gradually building consensus on the issue that are holding back the changes a strong political will on part of P5 and other member country of the UN security council amara UN security council nihati reform ba darkar ta pai amara gote political will amara rahia dekha samastang bitare gote amara कोहेसिव डिसीजन आउ कनसेस मैंने समस्त डिसीजन को नहीं कि आम गोटे फाइनाल डिसीजन हवा कथा जहाँ फल यहाँ गोटे मच मोर स्ट्रंगर ऑर्गेनाइजेशन ओके तो यही सब जिनस हूँ आम कौन ना यूएन सिक्योरिटी काउनसिल जो यूएन आम डिस्कसन कले कौन ना यूएन सिक्योरिटी काउनसिल कौन प्रथम जो हु आर द परमानेंट मेंबर आम पढ़ी परीक्षा दस मार्क तुम कही पार परमानेंट मेंबर क्यों मैंने ना पांच जन परमानेंट मेंबर अच्छे दस जन नॉन परमानेंट पांच जन परमानेंट मेंबर है यूएस यूके रशिया फ्रांस चाइना ओके तो टोटल 15 जन आम अच्छा ओके पांच जन परमानेंट दस जन नॉन परमानेंट तो ये जोटा आम जो टोटाल डिस्कसन कले जितक क्वेश्चन पड़ी सब गुड़ाक तुम आ भितर कवर हो जाए ओके तुम कौन कर डेफिनेटली ये जो
ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଓକେ ତ ଆଉ ଥରେ ତମେ ଯେଉଁମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଜଏନ୍ କଲ ମେ ବି ତମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିନିଅ ଓକେ ତ ଆଜି ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଓକେ ତ ଆମେ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିବା ଓକେ ତ ଯେଉଁମାନେ ତମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ତମେ ପ୍ଲସ୍ କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ ମୋ କୋର୍ସ ପୁରା ଆମେ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପେପର୍ ୱାନ୍ ପେପର୍ ଟୁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଆମର ଓପିଏସ୍ସି ମେନ୍ ଆଉ ଓପିଏସ୍ସି ପ୍ରିଲିମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଯେତିକି ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ ଓକେ ତ ତମେ ତା ଦେହରୁ ବେନିଫିଟ୍ ନେଇପାରିବ ଯଦି ତମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ତାହେଲେ ଓପିଏସ୍ସି ଲାଇଭ୍ ୟୁଜ୍ କର ଓକେ ଡିକେଆର୍ ଆମର ସରି ଡିକେଆର୍ ଲାଇଭ୍ ୟୁଜ୍ କର ତମକୁ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ ତ ବହୁତ ଚିପ୍ ରେଟ୍ରେ ତମେ ପାଇପାରିବ ଓକେ ଟିଚିଂ ପାଇପାରିବ ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଗାଇଜ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଓକେ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଆମର ସେମ୍ ପ୍ରତି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଡେରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରାତି 9 ବେଳେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି ତମେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଗାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟୁ ଅଲ୍